दोस्तों मान लो कि आप एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए जाते हो और आपका पैसा एटीएम मशीन के अंदर ही फंस जाए, ऐसे में आप क्या करोगे? गजब का इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जब आप पैसे निकालने के लिए अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन के अंदर स्वाइप करते हो और पैसे का ट्रांजेक्शन करते हो और उसके बाद अगर आपका पैसा नहीं आता है फिर आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। बट इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपका जो पैसा होता है वो 100% सिक्योर होता है। कुछ समय बाद एटीएम मशीन के द्वारा आपके पैसे को ऑटो रिवर्स कर लिया जाता है, जिसके बाद आपके अकाउंट से जो भी पैसे कटे होते हैं वो पैसे आपके अकाउंट में दोबारा से क्रेडिट कर दिए जाते हैं। इनकेस अगर 24 घंटे के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है तो एटीएम मशीन के बाहर खड़े गार्ड से आप कंप्लेन कर सकते हो या फिर आप बैंक में जाकर अपनी कंप्लेन को दर्ज करवा सकते हो, फिर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा।